राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने गोंडपीपरी तहसील को अकालग्रस्त घोषित करने की मांग की। गोंडपीपरी तहसील को दुष्कालग्रस्त घोषित करने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की मांग। गोंडपीपरी तहसील राज्य सरकार की दुष्कालग्रस्त घोषित सूची में पहला नाम था, मगर बाद में सूची में से नाम नदारद हो गया। गोंडपीपरी तहसील में शुरुआत में ठीक ठाक बारिश हुई, मगर बाद में बारिश के अभाव में खेत में खड़ी फसल सूखने लगी। गोंडपीपरी तहसील में धान की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है, उसी के साथ कापूस, तूर, मिर्ची, सोयाबीन की भी फसल बड़े पैमाने पर की जाती है, मगर बारिश न होने के कारण ये सभी फसल सूखने की कगार पर है। गोंडपीपरी तहसील के किसानों का बुरा हाल है। तहसील को दुष्कालग्रस्त घोषित करें, अन्यथा तीव्र आंदोलन किया जाएगा, ऐसा इशारा राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रदेश सचिव तथा राजुरा विधानसभा के निरीक्षक बंडू उमरकर, पूर्व विधायक सुदर्शन निमकर के नेतृत्व में नायब तहसीलदार एरने को दिए गए निवेदन में कहा गया है। इस वक्त राका के अल्पसंख्यक जिलाध्यक्ष महमूद मूसा, चंद्रपुर जिला शहर अध्यक्ष राजीव कक्कड़, केशव ठाकरे, उस्मान शेख, आशीष पाटिल, हरदास झाड़े, वंदना कांबड़े एवं बड़ी संख्या में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद थे। गोंडपीपरी से हमारे विशेष संवाददाता नितेश डोंगरे की रिपोर्ट। या गोंडपीपरी तालुका दुष्काळग्रस्त म्हणून तो घोषित करायचा होता, त्यामध्ये मात्र गोंडपीपरी तालुक्याचा समावेश करण्यात आलेला नाही आहे, वगळण्यात आलेला आहे, आणि म्हणून संपूर्ण शेतकऱ्यांच्या वतीनं आम्ही आज या ठिकाणी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मार्फतीनं, माननीय तहसीलदार यांच्या मार्फतीनं, राज्याचे मुख्यमंत्री यांना आम्ही आज निवेदन या ठिकाणी दिलेलं आहे की हा अन्याय जो शेतकऱ्यावर जो या ठिकाणी झालेला आहे, आज 25% सुद्धा पिकाची आणेवारी नाही झाली नाही आहे, आणि कृषी आणि महसूल विभागानं जो सर्वे केलेला आहे तो अत्यंत चुकीचा आणि निर्दयी आहे। हा शेतकऱ्यावर अन्याय करणारा असा हा सर्वेक्षण आहे, आणि म्हणून याला वाचा फोडण्यासाठी आणि या तालुक्याचा समावेश या दुष्काळग्रस्त यादीमध्ये करण्यासाठी आम्ही आज या शिष्टमंडळाने या ठिकाणी निवेदन दिलेलं आहे। जर का समावेश केला नाही तर आम्ही या ठिकाणी शेतकऱ्यांच्या वतीनं मोठं आंदोलन करू, मोर्चा काढू, धरणा आंदोलन देऊ, असं आम्ही या निवेदनामध्ये या ठिकाणी सूचित केलेलं आहे। त्याची दखल तातडीनं शासनाने घ्यावी असा आमची या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीनं मागणी आहे।